हाय, मैं हूँ कौशिक बिसल। किस तरह से अपना परिचय दूँ? फर्स्ट टाइम वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। एक अजीब सी सोच सालों से दिल में रहती थी कि अपने विचार लोगों के सामने रखने से इसमें एक मैच्योरिटी आ सकती है, शायद लोगों के हम काम भी आ सकते हैं। हम लोग गुजराती हैं, गुजराती में एक कहावत है, कर विचार तो पाम, मतलब है कि आप सोचेंगे कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा। सोचना एक सरकमटेंसेस की वजह से भी आदमी की विवशता होती है, लेकिन कुछ ज़रूरी न होने से भी सोचना एक मेरे हिसाब से मनुष्य की लाक्षणिकता है। इस सृष्टि में चार प्रकार के जीव हैं, जड़, वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही सोचने की शक्ति दी, लेकिन अफसोस यह है कि हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मैं किस तरह से सुखी रहूं। लेकिन सुखी रहने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुखी रहने की जो एक मर्यादा हमने बांध ली है वो है फाइनेंशियल सक्सेस। हम सुखी उनको मानते हैं जो सिर्फ बड़ा पैसा बनाता है, या अपने बिजनेस में या इंडस्ट्री में या जो भी फील्ड में हो उसमें कामयाब रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स ये एक सुख की ज़रूरत है। कहा जाता है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीन बड़े फैक्टर है आदमी को सुखी रखने में। उसके बाद ही एक अंतिम चरण आता है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब आप तीन में सक्सेस हो तभी आप शांति से एक अंतिम मुकाम जिसको कहते हैं स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट, वहाँ हम जा सकते हैं। इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ, रिलेशनशिप ये सब रखते हुए हमें आगे चलना है। तो मैं ये आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपको शायद बहुत ही रास्ते मिल जाएंगे, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर्स या बिजनेस कोच ये सब मिलते हैं जो कि अच्छी अच्छी तरह से बिजनेस में कैसे सक्सेस पाना ये सब बताते हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन इसके साथ साथ हमें बनना है स्थित प्रज्ञ, जो कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जी का चरित्र है। हमारी विवशता ये है कि हम अर्जुन हैं, न हम दुर्योधन है, न हम श्री कृष्ण हैं। दुर्योधन को बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं था, श्री कृष्ण बुद्धि से बहुत ऊपर है। तो ये दोनों निष्फिक्र है, तकलीफ है अर्जुन, अर्जुन सोचता है और समझ नहीं पाता है। इसके लिए ही भगवद गीता में पहला जो अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग। बहुत ही सिमिलर है हमारी सबकी लाइफ इस अर्जुन के अर्जुन विषाद योग से। तो इसके बारे में हमें सोच के श्री कृष्ण को ने जो मैसेज दिया है उसको निभाते हुए, उसको समझते हुए इस कठिन यात्रा को पार करना है। हमारी लाइफ में जैसे वैदिक संस्कृति में कहा गया है चार आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस सभी को पार करते हुए श्री कृष्ण की फिलोसॉफी को साथ में रखते हुए हम जरूर पार कर सकते हैं। बिजनेस में हम तरक्की कर सकते हैं, हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और इसी तरह से अच्छी रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारा मन एक स्थित प्रज्ञ वो अवस्था में आए। तो इस बारे में मैं अपने और कुछ विचार अगले वीडियो में
पेश करना चाहूँगा। आप सबको सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये हमारी लाइफ में इस तरह के डिबेट या डिस्कशन काम लग सकते हैं, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए और आपकी इच्छा बताइए। आप मेरा कॉन्टेक्ट 9821012836, दोबारा बताता हूँ 9821012836 पे आप अपनी राय मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा, एसएमएस द्वारा, फ़ोन द्वारा, और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं ताकि ये जो कदम मैंने उठाया है वो सही दिशा में जा रहा है, इसका मुझे सिग्नल मिले और ये मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो मैं आपके सामने रख सकूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।